आज हम लोग ना सीखेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बियॉन्ड 90 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बट दो चार चीजें हम लोगों को पहले समझनी है एंड देन वी विल लर्न ऑल दोस थिंग्स। नंबर वन, हम लोगों को एक चीज समझनी है, ये जो कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर में भी देखा था। तो आप देखिएगा यहां, देखिए हम लोगों ने समझा था ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन है अगर, या टू डायमेंशनल प्लेन है अगर, ठीक है। नाउ इफ यू सी यहां पे, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, और एंगल हम लोग हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ढूंढते हैं टूवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास जीरो से 90 डिग्री का एंगल डिफाइन करता है, ठीक है। ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास 90 टू 180 डिग्री का एंगल डिफाइन करता है, ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, ये 180 से 270 डिग्री, और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये 270 से 360 डिग्री, और उसके बाद इसके आगे वैल्यूज जो है वो दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाती हैं, ऐसे घूमती रहती हैं, घूमती रहती हैं। मतलब अगर हम लोग बात करें तो ये जो एंगल्स हैं आफ्टर 360 डिग्री, ये दोबारा से साइक्लिक फॉर्म में आ जाते हैं, ये इट कीप्स ऑन मूविंग इन द सर्कुलर फॉर्म, ठीक है। दिस इज वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। तो हम लोगों ने देखा कि यहां पे इफ यू सी, तो ये हमारे पास चार क्वाड्रेंट है, फर्स्ट इज फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री, तो हम इसको 90 डिग्री से डिनोट करते हैं, हम इसको 180 डिग्री से डिनोट करते हैं, ये 270 डिग्री है, ये 360 डिग्री है, और आगे जाएंगे तो यही 450 डिग्री को सिग्निफाई करेगा, ये 540 को करेगा, ये 630 को करेगा, और ये 720 को करेगा, और ये ऐसे ही रोल होना शुरू हो जाएगा आगे। इट कीप्स ऑन रिपीटिंग, दैट इज नंबर वन थिंग। नंबर टू इज, अगर हम देखें, हम सबको पता है साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। और इसी का अगर हम रेसिप्रोकल देखें तो कोसेक थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, sec theta is hypotenuse upon base, and cot theta is base upon perpendicular, right? अब हम लोग यहां पे जो सीखने वाले हैं वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है। Now, if you see here, if I make a right triangle in the first quadrant, अगर आप इसको देखें, suppose I'm a right ट्रायंगल बनाते हैं इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यू सी इसको हम लोग डिनोट करते हैं ओ, ये पी और ये एम, राइट। दिस इज एन एंगल थीटा, और अगर ये एंगल थीटा है तो आपको पता है ये परपेंडिकुलर होता है, इट इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो आप सबको ये भी पता है इन ट्रायंगल ओ पी एम, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, यानी मैं कह सकता हूं एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एंड एच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग स्क्वायर रूट किसी चीज का लेते हैं तो हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो दिस शोज कि एच इज पॉजिटिव। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा फैक्टर है जो आगे हमारे काम आना है अभी। नाउ अब देखते हैं इसको वारी वारी से, सब लोग ध्यान से देखेंगे बोर्ड के ऊपर बड़े फोकस करके। अब अगर मैं ट्रायंगल यहां पे अगर हम देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, बेस इज पॉजिटिव है ना। यहाँ पे हम लोग एक क्या बनाने वाले हैं, हम एक टेबल बनाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ध्यान से देखना, अभी हम यहाँ पे दो चीजें करने वाले हैं। यहाँ पे क्या ये आ जाएगा आपके पास क्वाड्रेंट, राइट। कौन से क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं, इसमें बेस क्या रहेगा पॉजिटिव या नेगेटिव, परपेंडिकुलर क्या रहेगा एंड हाइपोटेन्यूज। इसको परपेंडिकुलर को मैं ना PER से डिनोट करता हूं और हाइपोटेन्यूज को HYP से डिनोट करता हूं, और यहां पे बात करूंगा यहां पे अगर आप देखें तो क्या लिखने वाला हूं यहां पे, ये टेबल आप मेरे साथ 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 बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेस इज पॉजिटिव, परपेंडिकुलर इज पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज इज पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो यहां पे आप सबको बताएं अगर परपेंडिकुलर पॉजिटिव है और हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है तो साइन विल बी पॉजिटिव, साइन इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और अगर परपेंडिकुलर पॉजिटिव है और हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की जो भी वैल्यू आएगी व्हाट एवर इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। सो हम लोग यहाँ पे सिमिलरली बात करेंगे कॉस की, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है और हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है, इसलिए हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव होगा और परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी पॉजिटिव होगा। सो इन नटशेल अगर मैं बात करूं आपसे तो आई विल बी हैविंग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मेरी बात अभी आपको नेक्स्ट उसमें समझ आएगी, अभी यहां तक आपको शायद ज्यादा समझ नहीं आया होगा, लेकिन जैसे ही अब मैं नेक्स्ट वाला आपको बना के बताऊंगा तो आपको मेरी बात समझ आना शुरू हो जाएगी। नाउ अगर हम बात करें सेकेंड क्वाड्रेंट की, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर मैं एक ट्राइंगल लेता हूं, आप देखें बेटा यहां पे जो इसका बेस होगा ना, मैं इसको ले रहा हूं पी डैश एंड एम डैश, ये जो बेस है यहां पे ये नेगेटिव है और ये यहां पे पॉजिटिव है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में बेस इज नेगेटिव, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाएगा। अब ध्यान से देखना ये बात, जब मैं बात कर रहा हूं यहां पे साइन थीटा की, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज इज पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव, यानी साइन इज पॉजिटिव। सिमिलरली जब मैं कॉस थीटा लेता हूं तो ये ध्यान से देखना, कॉस थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज इज पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव लूंगा तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव लूंगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। नेगेटिव अपॉन कोई भी वैल्यू, नेगेटिव 4 अपॉन 5 विल बी कंसीडर्ड एज माइनस 4 अपॉन 5, यानी नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव कोई भी वैल्यू लूंगा वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कॉस थीटा इज नेगेटिव।
एंड टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव। अब बात करूंगा यहाँ पे पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, तो ये एक्चुअल में नेगेटिव आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो साइन इज पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव लिए जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन इज पॉजिटिव, बाकी एवरीथिंग इज नेगेटिव। साइन और उसका रेसिप्रोकल इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होंगे, ये बात ध्यान रखनी है आपने। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें, तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या बनाएंगे, अगर हम लोग एक सपोज ये पी डबल डैश है और ये एम डबल डैश है, तो हमारे पास ये जो ट्रायंगल है ओ पी डबल डैश एम डबल डैश में, ये बेस भी नेगेटिव परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, यानी एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लिखेंगे दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, बाय हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, एंड व्हाट वी विल बी हैविंग, अगेन हम हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, अगेन अब देखें साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगेन परपेंडिकुलर नेगेटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव। कॉस के केस में बात करेंगे तो बेस इज नेगेटिव एंड हाइपोटेन्यूज इज पॉजिटिव, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज नेगेटिव। एंड टेन की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, तो इस केस में सिर्फ टेन इज पॉजिटिव। ठीक है, एंड सिमिलरली जब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता हूं बच्चे, फोर्थ क्वाड्रेंट इज समथिंग लाइक दिस, इसको पी ट्रिपल डैश ले लेता हूं और एम ट्रिपल डैश ले लेता हूं, एक्स इज पॉजिटिव वाई इज नेगेटिव, यानी बेस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर इज नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज इज पॉजिटिव, तो साइन थीटा इज नेगेटिव। ठीक है, यहां पे बात करता हूं बेस इज पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज इज पॉजिटिव, तो कॉस थीटा इज पॉजिटिव, बट टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो इट इज नेगेटिव। तो हमारे पास इस केस में ओनली कॉस एंड इट्स रेसिप्रोकल विल बी पॉजिटिव। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकेंड में साइन इज पॉजिटिव, थर्ड में टेन एंड फोर्थ में कॉस। तो ये जो चार क्वाड्रेंट्स हम लोगों ने देखे, इन चार क्वाड्रेंट्स में अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, मतलब उनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहली जो क्वाड्रेंट है वो सबके लिए सेम है, यानी उसमें हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगी, लेकिन जब मैं सेकंड की क्वाड्रेंट की बात करता हूँ तो साइन और उसका रेसिप्रोकल, थर्ड में टैन और उसका रेसिप्रोकल, एंड फोर्थ में कॉस और उसका रेसिप्रोकल। अब ये याद कैसे रखना है, याद ऐसे रखना है, बहुत सारे लोग इसको ऐसे याद रखते हैं, एड शुगर टू कॉफी, एड यानी ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, शुगर मतलब एस, एस फॉर साइन, शुगर टू टी मतलब टैन, टैन इन द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड कॉफी मतलब सी, सी मतलब कॉस, कॉस इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। या बहुत सारे लोग इसको ऐसे याद रखते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, हम सब स्कूल के बाद कॉलेज ही तो जाएंगे, है ना, चाहे हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं या चाहे हम लोग किसी और अच्छे कॉलेज में जाएं, बट हम कॉलेज में जाएंगे, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो आपको बस यही याद रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड में व्हाट साइन इज पॉजिटिव, थर्ड में टैन इज पॉजिटिव, एंड फोर्थ में कॉस इज पॉजिटिव, एंड साथ साथ इनके जो रेसिप्रोकल्स होंगे वो भी पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो अब जल्दी से इसको नोट करिए एंड देन उसके आगे मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, हम इसको देखेंगे कि कैसे आगे हम इसमें और क्या क्या सीखेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल, थर्ड में टैन एंड इट्स रेसिप्रोकल, एंड फोर्थ में कॉस एंड इट्स रेसिप्रोकल। नाउ व्हाट वी हैव टू सी फॉर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री,
आपको ध्यान में रखनी है एक बात कि जब हम ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री लेते हैं और ऑड नंबर को हम हमेशा 2n प्लस 1 से डिनोट करते हैं, एनी ऑड नंबर इज डिनोटेड बाय 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1। सो अगर हम लोग यहां पे बात करें कि साइन, अगर हम ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री ले लें जिसको हम पाई बाय 2 भी लिखते हैं, इसको 90 ऑब्लिक पाई बाय 2 लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, प्लस माइनस थीटा करूंगा तो ये कॉस थीटा होगा, कॉस 2n प्लस पाई बाय 2 साइन थीटा होगा। अभी इसको समझाता भी हूं मैं, इसको अगर आप लिखेंगे टू एन प्लस वन पाई बाय टू प्लस माइनस थीटा इज कॉट थीटा, इट इज टेन थीटा। फिफ्थ sec, वैसे तो आपने इतना छोटा सा पार्ट ना एक टेंथ में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन हम इसको एक और तरीके से याद रखेंगे। अभी बताता हूं कि क्या, आप इसको मेरे साथ साथ पहले नोट करिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे हम लोग याद रख सकते हैं sec थीटा। ठीक है, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट लाइक आपने इसको कैसे समझना है समझाता हूं मैं आपको। ये एक हमारे पास टू डायमेंशनल प्लेन है, राइट, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। राइट, ये वाई वाई डैश, ये एक्स एक्स डैश, और आप सबको पता है ये जो है, हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले बात की, ये जीरो डिग्री से स्टार्ट होता है, ये पाई बाय टू यानी 90 डिग्री, ये पाई यानी 180 डिग्री, ये थ्री पाई बाय टू यानी 270 डिग्री, ये टू पाई यानी 360 डिग्री। फिर इसके आगे और जाऊंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फाइव पाई बाय टू, ये 3 पाई, ये 7 पाई बाय 2 और ये 4 पाई। यानी अगर आप इसकी बात करें तो ये मेरे पास है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 450 डिग्री, 540 डिग्री, देन इसकी बात करें 630 डिग्री एंड 720 डिग्री, और ये बात फिर ऐसे ही घूमती जाएगी आगे आगे। लेकिन ये जो वर्टिकल लाइन है, दिस वर्टिकल लाइन, ये क्या है, ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है। क्या है ये, ऑड मल्टीपल ऑफ 90। देखो ये 90 इंटू 1 है, ये 90 इंटू 2 इवन आ गई, फिर ये 90 इंटू 3 है, ये 90 इंटू 4 आ गई, है ना, ये 90 इंटू 5, ये 19 to 6, ये 19 to 7, तो जो वर्टिकल लाइन है ये किसको डिपिक्ट कर रही है, ये ऑड मल्टीपल को डिपिक्ट कर रही है। एग्री? नाउ जब ये ऑड मल्टीपल को डिपिक्ट कर रही है तो मैं मानता हूं ये क्या है, सपोज आप एक वॉरियर हैं, आप एक आर्मी पर्सन हैं और आपको इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना है सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए, ठीक है, उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक देखी है ना सबने, तो वो वाली सर्जिकल स्ट्राइक करनी है आपने, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, बेस बदल के जाओगे, है ना, यू विल नॉट बी शोइंग योर एक्चुअल आइडेंटिटी, आप अपने को थोड़ा बेस बदल के जाओगे। तो ये लोग भी ऐसे कर रहे हैं, जब ये इंटरनेशनल बॉर्डर यानी ये लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, तो साइन इज कन्वर्टेड इंटू कॉस, कॉस इज कन्वर्टेड इंटू साइन, टैन इज कन्वर्टेड इंटू कॉट, एंड कॉट इज कन्वर्टेड इंटू टैन, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में,
इन लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर ली, आपस में एक दूसरे के साथ इन्होंने पैक्ट साइन कर लिया। साइन बोलता है वी विल कन्वर्ट विद ईच अदर, साइन इज कन्वर्टेड इनटू कॉस, कॉस इज कन्वर्टेड इनटू साइन, टैन इज कन्वर्टेड इनटू कॉट एंड कॉट इज कन्वर्टेड इनटू टैन, सेक इनटू कोसेक एंड कोसेक इनटू सेक, राइट। लेकिन जब ये वाला बॉर्डर क्रॉस करते हैं ना, इसको मैं स्ट्रेट बॉर्डर बोलता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन को जब ये क्रॉस करते हैं, वर्टिकल लाइन इज इंटरनेशनल बॉर्डर और इसको मैं मानता हूँ कि ये मेरे पास स्टेट बॉर्डर है। जब ये स्टेट बॉर्डर क्रॉस करते हैं, जैसे हमें जे एंड के से पंजाब में जाना है तो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, हम एज इट इज जा सकते हैं ना। इसी तरह से जब ये इसको क्रॉस करेगा, यानी फॉर इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, फॉर इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, और पाई बाय टू, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आपस में चेंज नहीं करेगा, दिस विल रिमेन एज इट इज, ठीक है, ये हमारे पास एज इट इज ही रहेगा। क्या रहेगा, नंबर वन हम इसको ऐसे लिखते हैं, साइन एन पाई प्लस माइनस थीटा इज साइन थीटा, इट विल रिमेन एज इट इज, कॉस एन पाई प्लस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, देन टेन एन पाई प्लस माइनस थीटा इज टेन थीटा, कॉट चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू कॉट थीटा, सेक थीटा, एंड सिक्स में इसको सेक थीटा, ठीक। तो ये एज इट इज ही लेके इसको चलेंगे, सो दिस विल रिमेन एज इट इज, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज ही रहेगा, परफेक्ट। ये बात आपको समझ आ जाएगी कि जब अगर हम लोग इसकी बात करते हैं ऑड मल्टीपल, यानी वर्टिकल लाइन, इसके साथ मैं लिख देता हूं आपके लिए वर्टिकल लाइन, जब वर्टिकल लाइन को क्रॉस करेंगे तो दे विल चेंज देयर, और जब हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करेंगे दे विल नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी, बस इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। नाउ मैंने कल आपको बोला था कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, साइन की, कॉस की, टेन की, ऑन डिफरेंट एंगल्स, जो आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़े हैं। तो चलिए मैं एक बार उसको भी रिवाइज कर देता हूँ एक आपके साथ बैठ के। तो चलिए यहां पे देखते हैं, आप मुझे वैल्यूज को मैं एक बार आपके साथ रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर जितना भी हमने कुछ पढ़ा है ना उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देखें बेटा, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जीरो, इसको या तो हम 30 और पाई बाय 6, 45 और पाई बाय 4, 60 और पाई बाय 3, 90 और पाई बाय 2 लेंगे, ठीक है। साइन 0 इज 0, 1 बाय 2, 1 बाय रूट 2, रूट 3 बाय 2 एंड 1, मैंने तो बस ये इसको याद रखा हुआ है, बाकी की वैल्यू मुझे अपने आप ही पता चल जाती है। इसको अगर मैं याद रख लूं तो मुझे बाकी की वैल्यूज अपने आप पता चल जाती है। कॉस की वैल्यूज इससे उल्टी हो जाती हैं, 1 रूट 3 बाय 2, 1 बाय रूट 2, 1 बाय 2 एंड 0, और टेन होता है साइन अपॉन कॉस, ये आप सबको आता है, तो इट इज 0, 1 अपॉन रूट 3, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1, इन दोनों को डिवाइड करेंगे रूट 3, और इसको करेंगे तो इंफिनिटी।
नॉट डिफाइंड, राइट। इसके अलावा बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो इनकी रेसिप्रोकल्स होती हैं, ये आप सबको पता है, ठीक। तो आप जल्दी से इतना नोट कर लीजिए, शाबाश। फिर इसके बाद ना मैं आपके साथ बताऊंगा कि हमने इतना सब कुछ किया क्यों, इन सब की जरूरत क्या थी हमें। शाबाश, जल्दी से करें नोट, फिर मैं आपसे बात करता हूँ फर्दर। गिविंग यू अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अब क्यों आता है, मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको समझाऊंगा। एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा क्यों आता है, एंड टेन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा क्यों आता है, राइट। आपको याद होगा मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया था कि मैं इसको आपको बताऊंगा जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे कि क्यों ये माइनस साइन थीटा लिया जाता है। नाउ लेट्स से दिस इज एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। आप सबको पता है कि हम लोग एंगल हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से लेते हैं, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब मैं अगर इधर से नीचे आऊंगा ना, इस तरफ जाऊंगा, सो दिस इज कंसिडर्ड एज माइनस थीटा। When I will go in the clockwise direction from x-axis, it is considered as negative theta. Or negative theta मतलब it is which quadrant? Fourth quadrant. Fourth quadrant में कौन positive होता है? सिर्फ cos, है ना? Sine और tan जो होंगे वो negative होंगे. That is why जब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं cos sine of minus theta, it is minus sine theta, and tan of minus theta is minus tan theta. So this is the reason why we take sine of minus theta as minus sine theta and tan of minus theta as minus tan theta, but cos of minus theta is considered as cos theta. ठीक है? I hope it is clear to all of you. चलिए, अब ये जो सारी बातें अब हम इसको use करने वाले हैं. सबसे पहले let's say हमें mark find out करना है sine of 150 degree. Sine 30 degree आप सबको पता है. साइन 45 पता है, साइन 60 पता है, साइन 90 पता है. 10 तक आपने सिर्फ यहीं तक की ही बात की थी, इससे आगे आप नहीं गए थे. अब हम इससे आगे जा रहे हैं. ये जितना भी कुछ पढ़ा ये हमने सब उसके लिए पढ़ा, ठीक है. नाउ हमने ना सबसे पहले 150 को 90 से डिवाइड करना है, बिकॉज आपको याद होगा अभी जो टेबल हमने पढ़े उसमें मैंने ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री और इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री लिया, मतलब दोनों केसेस में मैं 90 को ही ध्यान में रख के चल रहा था. तो 90 से डिवाइड करेंगे, 91 90, रिमाइंडर इज 60, ठीक है. तो आई कैन राइट दिस थिंग एज साइन 19 into 1 plus 60 degree. यस, समझना समझना यहां पे बेटा, ये क्या है 19 into 1, यानी 90 का ऑड मल्टीपल, 90 का ऑड मल्टीपल. और जब ऑड मल्टीपल है मतलब हम लोग बात कर रहे हैं वर्टिकल लाइन की, और वर्टिकल लाइन में जब भी हमारे को कोई क्रॉस करेगा 19 to 1 को जब कोई क्रॉस करेगा तो वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इट इज कॉस 60 डिग्री. पहली बात हमने क्या देखना है कि क्वाड्रेंट हमें दो चीजों में हेल्प करेगा. नंबर वन कि ये ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है. अगर तो ये ऑड मल्टीपल है तो साइन विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉस, कॉस इनटू साइन, टेन इनटू कॉट एंड कॉट इनटू टेन, sec into cosecant, cosecant into sec, right? ये हमें इसमें help करेगा find out करने में. दूसरी बात, ये हमें कहाँ help करेगा? ये बताएगा कि कितने quadrant complete हो गए. अब देखें, ये zero, ये first quadrant complete हुआ, it is falling in the second quadrant, है ना? 19 to 1 first quadrant complete किया, 19 to 1 plus 60 degree, तो यहाँ कहीं पर fall कर रहा है ये. जब यहाँ कहीं पर fall करेगा तो cos 60 बनेगा, लेकिन sine in the first quadrant is positive, sine in the second quadrant is also positive. Angle किसका है? Sine का angle है. किसका angle है? Sine का angle है. और sine in the second quadrant is positive, we will consider it as sine cos 60. ये positive ही रहेगा and answer will be 1/2. ठीक है? ये अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, इससे एक और करते हैं, अब उसके बाद क्लियर होगा, देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 10 300 डिग्री,
300 डिग्री। चलिए देखते हैं, टेन 300 डिग्री को पहले आप 300 को क्या करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे, 93 से 270, रिमाइंडर इज 30 डिग्री। तो क्या हुआ, हमें पता चला दिस थिंग कैन बी रिटन एज टेन ऑफ 90 × 3 + 30 डिग्री। मल्टीपल कौन सा है, ऑड, तो 10 विल बी कन्वर्टेड इनटू cot, ये बन जाएगा cot 30 डिग्री। पहली बात खत्म। दूसरी बात, कितने क्वाड्रेंट्स कंप्लीट हुए, थ्री क्वाड्रेंट्स आर कंप्लीटेड, इट इज फॉलिंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखें फोर्थ क्वाड्रेंट कहां फॉल करता बच्चे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और यहां पे आ गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। बट फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, कॉस, और उसका रेसिप्रोकल ये कौन है, ये टेन है। एक्चुअल एंगल किसका था, टेन का, तो टेन नेगेटिव होगा, सो दिस विल बी माइनस कॉट 30। अब माइनस कॉट 30 मिल गया, सो वी गेट इट एज माइनस रूट 3। दिस इज द आंसर फॉर अस। एक और करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है sec of 570 डिग्री। चलें, सो आप पहले इसको क्या करेंगे, 90 से डिवाइड करिए। पहला स्टेप है 90 से डिवाइड करना, 96 × 540, रिमाइंडर इज 30। ठीक ठीक है जी। अब यहां पे इफ यू सी, इफ यू सी यहां पे हमारे को क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे sec 90 × 6 + 30। ठीक, अब हमने देखा ये इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, और जब हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस करते हैं तो वी डू नॉट चेंज द आइडेंटिटी। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये दिस विल रिमेन एज sec 30, दिस विल रिमेन एज sec 30। बट ये कितने क्वाड्रेंट्स कंप्लीट किए इसने, इसने किए 6 क्वाड्रेंट्स कंप्लीट। ठीक है, तो देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एंड इट इज फॉलिंग इन द सेवेंथ क्वाड्रेंट। कहां पे, सेवेंथ क्वाड्रेंट, और सेवेंथ क्वाड्रेंट का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टेन पॉजिटिव होता है, लेकिन ये कौन है, sec है, तो इट इज माइनस sec 30, और माइनस sec 30 इज माइनस 2/√3। दिस इज द आंसर। सो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमने किया क्या, हमारे पास जो भी एंगल मिला हमने उसको 90 से डिवाइड किया फर्स्ट स्टेप, फिर देखा कि वो ऑड मल्टीपल आ रहा है या इवन मल्टीपल आ रहा है। अगर ऑड मल्टीपल आ रहा है तो वो चेंज होता है साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में। और अगर इवन मल्टीपल आता है तो वो चेंज नहीं होता। दिस इज स्टेप नंबर 2, ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है। और स्टेप नंबर 3, हम चेक करते हैं कि कितने क्वाड्रेंट्स कंप्लीट हुए और एंगल किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। जिस क्वाड्रेंट में वो फॉल करेगा उसमें हम चेक करेंगे कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती है। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगी उसको हम पॉजिटिव रखेंगे, अगर उसके अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी तो उसको हम नेगेटिव ले लेंगे। बस यही 3 स्टेप्स हमने यूज करने हैं, राइट। तो आप मुझे ये बताइए कि यहां तक जो हमने किया, क्या आप सबको ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आई तो काइंडली आस्क मी, नहीं तो फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। शाबाश, जल्दी से बताइए। तो आपको ये क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और कंसेप्ट अपना क्लियर करना है। कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो इसको हम इतना ही रखेंगे आज, नेक्स्ट टाइम हम दोबारा से इसके ऊपर वर्क करेंगे एंड वी विल गो बियॉन्ड दैट, राइट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।